साले इतने चौंटे मारूंगा, इतने चौंटे मारूंगा कि मार मार के साले टांट नकली कर दूंगा, तेरी गंजी कर दूंगा। रस्ते पे अखियां रास्ता देखे, चल पेंट उतार दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अभी हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे करते होंगे। गाइज आज मैं साले इतने चौंटे मारूंगा, इतने चौंटे मारूंगा कि मार मार के साले टांट नकली कर दूंगा, तेरी गंजी कर दूंगा। क्या लगाना तेरे अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है इसके। कुछ बुखार हो गया ना, बुखार है गाइस इनको इसके। और मैं जा रहा हूँ टांट लगाऊं, बस बने रहे लोग भाई। कि तुझ बिन नहीं लगता जी, नहीं लगता ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। बट अब दिखता है यारा मैं क्या। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। गाइस अभी हम इसके स्विच हटाएंगे। गाइस इधर डॉक्टर ही नहीं मिला, इधर है डॉक्टर, डॉक्टर उधर है, वो उधर है, मैं गया था। गाइस अभी ये कॉल कर रहे हैं, सुन क्या। गाइस ये देख रहे हो हेलीकॉप्टर, यहाँ से आकाश है उड़ान भरी जाती है। आकाश मेरी बाहों में मंजिल है, मेरी राहों में। रस्ते पे अखियां रास्ता देखे, पिछड़े मीतों का। डॉक्टर घर है, दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं क्या राजा भोसड़ी के आगे डॉक्टर चलते हैं। सुई कल क्या खाटा भी आज चीकना 10-15 दिन हो गया। अरे जिमन जिम में मैंने फोन होगा कल, आज आज है कल है तो गुरु का खाओ बन जाएगा ही ना। नहीं मैंने आज 15 दिन हो गए चीकना मुंह में नहीं लिया, पानी नहीं आया पीले नो मेरी भूल गई। गरम पानी पीना, ज्यादा तेज मिर्च मसाला की सब्जी नहीं खाना, दूध मर्जी जित तो पी सके और खाटी चीज खा। ज्यादातर मैं दूध रोटी खाता हूँ। हाँ हैं इसको देखो, मैं भी दो रोटी दोनों एक दूसरा देख के दूध को नाम नाम लिया। शरीर में यार ये बड़े ही बने मैं दूध और खा। तू किस बारे हैं तू की गोल और नौकर? मेरा काम नौकर है अंकल जी। नौकर? हाँ जी। अठे बेटा काम करा
चल पेंट तर दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अभी अभी गाय जी इसका डॉक्टर इलाज कर देंगे। छोटू अगर भी एक बार आए बापर दुकान आप चल हो गए क्या। अभी हम दवाई ले लिए हैं हम दोनों। ये देख आए छोटे छोटे अब दिखता है यारा मैं क्या ये पापा की तैयारी आप यहाँ से देखना। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। अभी आपको दिखाएंगे पापा पर यहाँ से देखना हो जनता माफ नहीं करेगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी चलते हैं। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस सुजी के साथ में गया था डॉक्टर के पास। आप भी जाके देखना कैसा बुखार होने से कैसे कौन सी दवाई लेनी है। आपको पूरे ब्लॉग में बताया गया है। और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद कट